जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित और पोषक आहार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छे और बुरे विचार तो हमारे काबू में होते ही नहीं, ये तो परिस्थिति और एनवायरमेंट के अनुसार बदलते रहते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। सामान्य लोगों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। हमारा मस्तिष्क यानी हमारा दिमाग परिस्थिति के अनुसार ही प्रतिक्रिया देता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे नहीं होते। यदि मैं अपनी बात करूं तो मैंने कई आध्यात्मिक गुरुओं से इस बारे में बातचीत की है। उन्हें देखकर मेरे मन में हमेशा एक ही सवाल आता था कि यह लोग इतने खुश और चिंता रहित कैसे हैं? क्या इनके दिमाग में कोई नकारात्मक ख्याल नहीं आता? मेरे मन की इस जिज्ञासा का अंत तब हुआ जब मैंने कई आध्यात्मिक मास्टर से इस बारे में पूछा। आप जानना चाहेंगे कि उनका जवाब क्या था? उन सभी ने मुझे मेडिटेशन के बारे में बताया। वहीं से मैंने यह जाना कि अच्छे और बुरे विचार सब हमारे काबू में होते हैं, और मुझे यह फायदा तब ज्यादा मिला जब मुझे मेरे आध्यात्मिक गुरु, उन्होंने मुझे मेडिटेशन के बारे में वह ज्ञान दिया जिसे मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूं। देखिए, मेडिटेशन आध्यात्म की वह शाखा है जो हमारे मन और मस्तिष्क पर काबू पाने का तरीका सिखाती है। तो आज मैं आपको वह पूरी प्रक्रिया बताऊंगा जो मुझे मेरे आध्यात्मिक गुरु ने बताया था, जिससे आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग एक अलग आयाम से सोचने लगेगा। इसके अंदर जन्म लेने वाले सभी नकारात्मक विचारों का अंत करने में आप सक्षम हो पाएंगे। लेकिन ये एक्सरसाइज कोई जादू नहीं है जो आप इसे एक बार करने पर उम्मीद करें कि आपके मस्तिष्क की कायापलट हो जाएगी। आपको इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा, क्योंकि साइंस भी कहता है कि जो कार्य आप 21 दिनों तक लगातार करते हैं, उसके बाद आपकी बॉडी उसकी हैबिचुअल हो जाती है और आप उस परम शांति को पा सकते हैं जिसकी तलाश में आप अभी तक भटक रहे हैं। आप जिस तरह किसी मशीन के काम ना करने पर उसे स्विच ऑफ यानी बंद कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार आपके मस्तिष्क का स्विच भी ऑफ और ऑन करने की आवश्यकता है। चलिए जानते हैं उन 5 चरणों के बारे में जिससे आप अपने मस्तिष्क को रिचार्ज कर पाएंगे। अपने मस्तिष्क को शांत करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वह है कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसे बंद कर दीजिए। 1 मिनट के लिए अपने शरीर को प्रत्येक कार्य से हटा लीजिए। अपने आप से आप यह कहने की कोशिश करिए कि 1 मिनट के लिए मुझे कुछ हासिल करने या बदलने की जरूरत नहीं है। यानी आप अपने आप को यह समझाइए कि आप 1 मिनट के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपने सब कुछ बंद कर दिया है। इस 1 मिनट में आपको सोचना है कि आपके अंदर पाए जाने वाले वो सभी 5 ज्ञानेंद्रियां एक दरवाजे हैं जिनके जरिए आपका मस्तिष्क तरह तरह की जानकारियां और भावनाएं ग्रहण करता है। आपको इन सभी दरवाजों को बंद करना है, अपने मस्तिष्क को 1 मिनट के लिए सभी तरह के शोर से मुक्त करना है। आपके मस्तिष्क तक दिन भर में कई तरह की आवाजें, विचार और शोर पहुंचता है। इस 1 मिनट में आपको इसे खाली रखना होगा। अपनी आंखें बंद करें और जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो रोक दें। ऐसा महसूस कीजिए कि आपको कहीं नहीं जाना और कुछ भी नहीं पाना है, कुछ नहीं करना है। आप यह दोहराइए कि आपको कहीं नहीं जाना है, कुछ भी नहीं पाना है, कुछ नहीं करना है। आपको कहीं नहीं जाना है, कुछ भी नहीं पाना है, कुछ नहीं करना है। अब जब आपने सभी ज्ञानेंद्रियों के दरवाजे बंद कर दिए हैं और शोर आपके कोशों दूर है, तो आप खुद को पाने की कोशिश करेंगे और वर्तमान में ध्यान लगाएंगे, अपनी सांसों की तरफ ध्यान लगाएंगे। अब अपने शरीर की तरफ ध्यान लगाएं, लेकिन बिना कुछ किए हुए खुद से कहें कि यह वर्तमान की स्थिति ही मेरा घर है और मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ। आप बार बार यह दोहराएं कि यह वर्तमान की स्थिति ही मेरा घर है और मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ। यह वर्तमान की स्थिति ही मेरा घर है और मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ। यह वर्तमान की स्थिति ही मेरा घर है और मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ। अब आपको यह देखना है कि क्या आप इस क्षण में खुद के प्रति प्यार और करुणा को निर्देशित कर पा रहे हैं या नहीं। अपनी सारी व्यवस्था को गुड बाय बोलिए और खुद से कहिए, हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा सुरक्षित रहें, हमेशा प्यार मिले। हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा सुरक्षित रहें और हमेशा प्यार मिले। हमेशा स्वस्थ रहें,
हमेशा सुरक्षित रहें और हमेशा आपको प्यार मिले। इस एक मिनट में आपको देखना है कि आखिर में आप खुश रहने के लिए जो चीजें ढूंढ रहे हैं वो आपके इस क्षण में है। आप जीवंत हैं, आपके पास अनमोल जीवन का उपहार मिला है। आपको महसूस होगा कि आपका मस्तिष्क आराम कर रहा है। इस एक मिनट के बाद आप वो सब कर सकते हैं जो आप पिछले 5 मिनट पहले कर रहे थे। इस 5 मिनट के बाद आपको खुद में बहुत से बदलाव नजर आएंगे। आपको महसूस होगा कि सिर्फ 5 मिनट के लिए सब कुछ छोड़कर अनप्लग होना कितना जरूरी और शांतिमय है। जब आपको लगे कि आपका मन शांत हो गया है, आपको इस दुनिया से कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं पाना है, तब आप अपने मन को ध्यान के प्रति समर्पित कीजिए, ध्यान लगाइए। जब आप ध्यान लगाएंगे तो आपके अंदर वो प्रत्येक विचार रुकने बंद हो जाएंगे। आप अपने अंदर उस परम शांति को महसूस कर पाएंगे जिस परम शांति के लिए आप दौड़ रहे थे। अब ध्यान कीजिए, आप ध्यान लगाइए। आपको अपने अंदर विचारों को नहीं आने देना है, आपको ध्यान के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना है। अब आपको ऐसा एहसास हो रहा होगा, एक अलग प्रकार की खुशी आपको मिल रही है, एक अलग प्रकार का आनंद मिल रहा है जिसे आप बताना चाहते हैं, एक ऐसा आनंद जिसे आप ढूंढ रहे थे, एक ऐसी परम शांति जिसके लिए आप वर्षों भटक रहे थे। जब आपको यह महसूस होने लगे कि आप उस परम शांति में पहुंच रहे हैं, उस आनंद को प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे ही बैठे रहिए, ध्यान लगाते रहिए। जब आपको उस परम शांति की अनुभूति होने लगी है तो आपको ऐसे ही बैठे रहना है। 5-10 मिनट तक आप इस मेडिटेशन को कीजिए तो आपको जो शांति और जो अनुभूति होगी वो अमूल्य है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इस वीडियो को 5 से 7 बार देखिए। आप दिन में 5 से 7 बार इसे ट्राई करने की कोशिश कीजिए, आपका ध्यान सधने लगेगा। अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आशा करता हूं आज की यह वीडियो आपके लिए सहयोगी हुई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।